वेलकम टू एजी कंसेप्ट। ट्रिकी कंसेप्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे नाइन के बेस डिजिट्स की, नाइन के बेस की कैसे हम बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जिस तरह ये आपका नाइन का स्क्वायर हम सभी लोगों को याद होता है कि 81 होता है, लेकिन जैसे ही हम 99 के स्क्वायर को फाइंड करने लगे या फिर हम 9999 के स्क्वायर को फाइंड करेंगे या फिर 9999 के स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कैसे हम इसको इजिली एक सेकंड के अंदर लिख सकते हैं, देखिए कि ट्रिक क्या होती है, देखिए कितनी इजी तरीके से मैं इसको फाइंड कर दिया। 81 आपका सेम है, देखिए कितनी इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व। अब देखिए कैसे हम इसको 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको आगे क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में आप इस फॉर्मूले को इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपके कम से कम 30 सेकंड आपके सेव होंगे और 30 सेकंड आपका पता है जो एक सीरियस स्टूडेंट होता है कि आपका लाइन के इस पार और लाइन के इस पार आने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है ये, आप सभी को पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। जैसे हम 99 का स्क्वायर होगा तो इसमें क्या होगी, 1 और 1 टू डिजिट्स होंगी, तो 8 से पहले आपको 9 रखना है और 8 के बाद आपको 0 रखना है। इसी तरह क्या आपको 3 डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स में क्या आपको 2 बार 9 रखना है 8 से पहले और 2 बार 0 रखना है 8 के बाद, और 81 आपका हर किसी में चलेगा। इसी तरह आपकी ये 4 डिजिट्स होंगी तो ये कितना हो गया, 3 बार आपका 9 हो गया, 3 बार आपका 0 हो गया, 1 बार आपका 81, ये तो आपका सेम है। तो इसी तरह हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये आपकी 99,999 के स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो देखिए कितनी इजी तरीके से इस ट्रिक से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी ट्रिक अच्छे से हमें समझ आ जाए। जैसे ये आपकी 6 डिजिट्स हैं और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे हम इसको स्क्वायर निकालेंगे फटाफट, क्या होगा 81 लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे। अब ये देखिए कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो कितने 9 आने चाहिए यहाँ पे, 5, और कितनी 0 आनी चाहिए, 5। इस तरह से हम इसको इतने बड़े नंबर को भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी आपको इस ट्रिक से कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर लाइक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इन चीज़ों को अप्लाई करिए अपने पेपर में, तभी आपके एग्जाम बार बार क्लियर होंगे। थैंक यू।